फरीदाबाद कितनी गाड़ी गई यहाँ से, 10-11 गाड़ी गई भर भर के। हाँ एक तो जुराब में गोलियां भरी ढूंढ रहा, मुझे पता ही नहीं, खरे 200 गोली बहुत है वहाँ पहुँच गया तू, 200 गोली बहुत। तो क्या राजवीर सिसोदिया और रजत दलाल की कॉन्ट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी? दरअसल आज राजवीर सिसोदिया ने पॉडकास्ट में रजत दलाल और उनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में ये बताया कि आखिर उन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया था। आप सभी को पता होगा कि उस टाइम ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए लोकेशन दे रहे थे, तो राजवीर के कम्युनिटी के लोग जिनको पर्सनली जानते भी नहीं थे तो वो गन लेकर रजत दलाल के पास चले गए थे। बाकी इन चीजों को लेकर राजवीर सिसोदिया ने क्या बताया आप देखिए। वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करा था मैंने, वो बात इतनी बढ़ गई थी, अब रजत ऐसे बोलता है अपने इंटरव्यूज में कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई, और वो हमारे सामने नहीं आए कभी कि मतलब जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब तो खैर पुरानी बातें चल रही हैं, कोई इस पर दिल बना ले कि वो 3-4 इन्फ्लुएंसर एक हो गए और मेरे सामने नहीं आए, हवाबाजी करके फरीदाबाद से लौट गए। उस दिन ऐसा हुआ कि हमने पहले तो वेट करा, रजत ने स्टोरी डाली थी कि मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ और अब मैं पहले तुमसे मिल लूँ जब ही सोऊंगा नोएडा यार, ये जब कलेश की बात है उसी दिन की, जिस दिन ताज़ा कलेश हुआ था, मैंने 2-2.5 घंटे वेट करा रजत का कि नोएडा आ रहा है, मैंने लोकेशन भेज दी थी, आ जा। तो वो आया नहीं, मैक्स भाई के अखाड़े की बात है, मैक्स के अखाड़े की बात है, वो आया नहीं, किसी ने समझा दिया होगा मत दियो। तो मैंने कहा चल हम फरीदाबाद आ रहे हैं, फरीदाबाद कितनी गाड़ी गई यहाँ से, 10-11 गाड़ी गई भर भर के। हाँ एक तो जुराब में गोलियां भरी ढूंढ रहा, मुझे पता ही नहीं, खरे 200 गोली बहुत है वहां पहुंच गया तू, 200 गोली बहुत है। मैंने कहा अच्छा, 2 लड़के वहां पकड़े भी गए, उनके पास हथियार पकड़ लिए, वहां CIA कोई चीज होती है उन्होंने, अब मुझे पता भी नहीं वो लड़के हैं कौन, आपके साथ थे ही नहीं, थे ही नहीं, लेकिन मेरे लिए आए हुए हैं। वो पुलिस ने पकड़ लिया, गाड़ी की तलाशी हुई तो उनके पास पता नहीं पिस्टल और कुछ गोली निकली, जेल भेज दिए। अब उनका भी पर्चा मेरे ऊपर फटा, अब हमारे साथ हो रहे कम से कम 80-90 लड़के जब हम रजत को मिलने गए। अब रजत भाई गांव उसका कोई और है, छारा गांव है शायद उसका कोई, हरियाणा में। अब वो होता ना कि अब थोड़ा सा कि भाई अब कोई भी मुसीबत आ रही है मैं 4-6 को लेकर खड़ा हो जाऊं कि भाई तुम बस खड़े रहना बाकी तो मैं देख लूंगा। उसने वैसे उस गांव के लड़के खड़े कर लिए, जब उसके गांव के वो गांव के जिस गांव में वो था वहां की भीड़ देखी मेरे साथ वाले, करे तो हमारे गांव के लड़के ये तो कुछ भी ना बोल रहे हैं अभी पकड़ा मी से जाके। तो मैंने कहा पकड़ेंगे पकड़ेंगे, इस चक्कर में हमारे बीच से एक भाई हमारा निकल गया उसी गांव में पहुंच गया, हमें पता भी नहीं, वहां से वीडियो कॉल आ रही है पकड़ लिया ये बैठा। अच्छा जी, तो कह रहा अगर इसने कोई वीडियो बनाई तो मान लीजिए हम दे देंगे, अब तुम भी से कुछ मत कहना। रजत वीडियो कॉल पे कह रहा भाई कोई बात नहीं सॉरी, मैं आपसे कोई वो नहीं है लेना देना, और वहां भी वीडियो में उसकी जो वायरल हुई थी कि मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं, कोई लेना देना नहीं आज के बाद। अब वो मुझे बुलाए आ जा, और हम भी गाड़ियों में गियर मारे चलो भर भर के जा रही है, मैं 10-10 गाड़ियां, अबे 90-80-90 लड़के हो रहे हम। तो अब कई बार ये सीखने वाली चीज है, कई बार ऐसा होता है आपसे 10 साल छोटा इंसान भी आपको बहुत अच्छी राय दे देता है। यहाँ मयंक बैठा है, मैं इतनी जोश में था, मैंने कहा पकड़ दिया रजत को चलो, इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसने मयंक ने देख लो मेरे साथ ये जैसे कह रहा भैया ऐसा है रजत फंस गया आज अकेला, वहाँ भी लड़के ऑलरेडी इतने सारे हैं, 70-80 हमारे साथ हो रहे हैं, कुछ नहीं, मैं ऐसे जिन्होंने सामान लगा रखा खावा बाजी में उन्होंने चला दिया, उसके लग गई, पहले तो उसके माँ बाप का लॉस, उसका लॉस, सारा पर्चा फटेगा छाती पे आपकी, इधर आपके माँ बाप परेशान, पहले भी परेशान हो चुके हैं, पहले भी परेशान हो चुके हैं, बात कोई इतनी बड़ी है नहीं, रजत ने आपकी जमीन लूटी, बहन छेड़ी, आपके माँ बाप को कुछ कुछ भी तो नहीं कहा, थोड़ी बहुत बहस थी, वो वायरल हो चुकी, वो कह रहा राजवीर से कोई लेना देना नहीं है, आपका ही पैर ऊपर है ना बीबी, क्या आपने तो उसके स्टेट में आके घेर लिया, और उसने कह दिया भाई तो अब कुछ मत करो यहाँ से घर चलो, कि जो सामान लगाए लड़के घूम रहे, कितने लड़के, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि मैं नोएडा से फरीदाबाद आ रहा हूँ और यहाँ खड़ा हूँ, तो कितने लड़के जिनको मैं जानता भी नहीं वो भी सामान लगा लगा के आ गए कि भाई हम तेरे साथ खड़े हैं, भाईचारा राजपूताना राजपूताना। इसने कहा भाई यहाँ से घर चलो उल्टे, क्योंकि अब जो लड़के साथ में है हो सकता है आप उस पर हाथ ना उठाओ ये उठा दे, और यहाँ ये होता कि एक भी हाथ उठ गया ना तो उठेगा पूरा, उठेगा भीड़ हाथ होती है कि दो तूने मारा मैं क्यों चटू, मैं भी मारूंगा, वो कहेगा मैं क्यों उठूं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, चेहरा आपका ही होगा। हाँ अब इसने टाइम लगा बहादुरगढ़ का 2 बजे का कि कल 2 बजे बहादुरगढ़ मिलो और लड़ो, इधर पुलिस उठा के ले गई दंगे करवा गया, अब उन्हें तो जाट राजपूत हो रही है, कितने सारे जाट आएंगे, कितने सारे इधर पुलिस उठा के ले गई, जब मुझे खबर मिली पुलिस उठा के ले गई, मैंने वीडियो डाली, मैंने कहा लौंडे कह रहे जाना तेरी फटकी बहादुरगढ़ जाने, मैंने कहा भोसड़ी वालों मैं तो चला जाऊंगा उसे तो छुड़ा लाओ सही बात है पुलिस ले गई। तो रजत को पुलिस ने छोड़ दिया रात को 9 बजे, क्या मत करिए सब पे चल भाग जा। अब फिर वही बात आ गई, इसने बाहर आके ये बताने की जगह कि पुलिस केस हो गया इसे खत्म करो, ये कहा पुलिस घर पे हम इसने दिखाने को कि राजवीर झूठ बोल रहा, हमें किसी पुलिस ने नहीं उठाया, सुबह पुलिस ने फिर उठा लिया।
फिर गाली बक रहा है। फिर अगले दिन इससे मैं ऐसी वीडियो बनवाई, आज वीडियो बना के जा इसकी इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी भी डलवा दी। मैं रजत दलाल, मैंने ऐसे भड़काऊ काम करे और उससे राजवीर से मेरा एक फाइट का चैलेंज था, ये मेरी नादानी की वजह से हुआ, कृपया मेरी माफी मांग दो, ये वो अटरम बेटरम। फिर इसने पोस्ट करी, फिर वो सारे में वायरल हो गई इसकी। अभी से लगा कि अब मैं राजवीर से कुछ कहूँ फिर पुलिस पकड़ेगी, कोई गाली नहीं दे सकता। फिर आया इसका मुझ पर फोन, कह रहा भाई से खत्म करें। मेरे का खत्म ही है, तू अपने घर में, कह रहा नहीं भाई मिलके खत्म करेंगे। बाकी इन सब पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आज से कर देना।